तो मैम कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से आई हूँ। मैम भोपाल से आई हैं, रिफिल के लिए आई हैं मैम भोपाल से। तो मैम आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरा एक्सीडेंट कार से हो गया। मैम का एक्सीडेंट कार से हो गया। मैम के यहाँ फ्रंट पे चोट भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। मैम के यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हुई है, फिर भी मैम भोपाल से रिफिल के लिए आई है। तो थैंक यू सो मच मैम, इतना कष्ट करने के बाद भी आप हमारे स्टूडियो आए। वैसे तो मैं ये कहती आपको रेस्ट करना चाहिए था, बट इतना प्यार, ओह माय गॉड, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया, भोपाल से रिफिल के लिए आई है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं मैम ने कहीं और से स्टेंशन लगवाए हुए थे, मैम को पैच आ रहा था स्टेंशन में। अगर मैम की डेंसिटी हैवी है, आप देख सकते हो काफी हैवी बाल है, और कम स्टैंड लगाए हो तो वो पैच आएगा ही आएगा। अगर स्टैंड आपके मैम ने अच्छे से लगाए होते और थोड़े से 130 स्टैंड होते तो ये वाला पैच नहीं आता। तो मैम रिफिल के लिए आई है, मैम का पहले से ही ऑलरेडी बहुत खर्चा हो गया, एक्सीडेंट है, तो मैम सिर्फ रिफिल कराएंगी। नेक्स्ट टाइम मैम ने कहा है कि मैं आपसे स्ट्रेंचिंग करा के ही जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं हम रिफिल में भी काफी अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मैम की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है, लेंथ ही डेंसिटी बहुत अच्छी है, लेंथ तो बहुत छोटी है। तो डेंसिटी की वजह से ही मैंने आपको मैम को कहा कि आपके 130 स्टैंड 120 स्टैंड जाते ही जाते। कोई बात नहीं, मैम की रिफिल का रिजल्ट आप देखिएगा, हम अच्छे से स्टैंड लगाएंगे तो वो पैच नहीं आएगा। तो मैम की कर रहे हैं हम रिफिल, हंस दो मैम हंस दो, खुश रहो। रिफिल आए थे भोपाल से, आप मैम की अब देख सकते हैं हेयर, मैम आप चोटी भी कर सकती हैं, ये देखिए। मैम ने कहा था मैं जब भी स्टिंचन कहीं और से कराए थे, मैम ने रिफिल हमसे कराई है, मैम चोटी करती थी तो मैम के स्टिंचन दिखते थे, अब मैम को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहती हूँ, जिनके डेंसिटी हैवी हो तो उनको 130 या 120 स्टैंड लगेगा ही लगेगा, अगर आप कम लगवाते हो तो आपको ये पैच आएगा। अभी तो हमने स्मूथनिंग प्रेसिंग की हुई है, अगर आप नॉर्मल वॉश करोगे तो यहाँ पर पैच आएगा। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ जिनकी डेंसिटी हैवी हो उनको 120 130 स्टैंड जाएगा डबल टोन का, अगर सिंगल कराते हो तो 150 या 200 स्टैंड जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैम के एक्सीडेंट होने के बाद भी मैम रिफिल के लिए आई है, तो हैट्स ऑफ के मैम अपने हेयर से इतना प्यार करती है, मैम को हमने रिफिल करके दिया। मैम पोनी टेल करें कुछ भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैम को स्टेंशन से प्रॉब्लम हो रही थी कि मैम पोनी टेल नहीं कर पा रही थी, मैम के स्टेंशन दिखते थे, अब मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आपको हमारा काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को और मैम भोपाल से आई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बने रहें और आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चोटी बना पा रही है मैम आराम इजली। ठीक है।